हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इजी मेथड से। अगर आप एक बिगनर्स होंगे तो भी इस ब्लाउज को घर बैठे आसानी से बना सकोगे। तो ब्लाउज बनाने के लिए हम पहले अस्तर के फैब्रिक को जो है प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी हमारी सलवटें होंगी वो निकल जाएंगी। तो ये हमने अस्तर को जो है प्रेस कर लिया है। अभी हम ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन खींच लेंगे, पहले हाफ इंच छोड़ते हुए। तो ये हमने सीधी लाइन बना लिया है। तो अभी हम एक 16 इंच पर निशान लगाएंगे हमारी ब्लाउज की लंबाई का। तो ब्लाउज तैयार हमारा 14 इंच रहेगा, 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हाफ हाफ इंच हमारा नीचे ऊपर मार्जिन में जाएगा और 1 इंच हमारा बेल्ट और ऊपर के कप्स वाले पार्ट में जाएगा। तो हमने इसमें जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 16 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी इस तरीके से। तो ये ब्लाउज मैं इतना इजी तरीके से बता रही हूँ, तो आप इस ब्लाउज को एक ही बार में देखकर आसानी से आप भी सीख सकोगे। तो आप वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, मैंने 16 इंच पर निशान लगा के वहाँ से जो है मैं कपड़े को सीधा कट कर लूँगी। तो ये मैंने 16 इंच का एक फैब्रिक कट कर लिया अस्तर का, और जहाँ से हमने हाफ इंच का निशान लगाया था वो मैंने अपनी तरफ कर लिया है। और बंद वाली साइड से अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं डीप नेक का बना रही हूँ, तो शोल्डर में 5.5 इंच लूँगी। तो 5.5 इंच पर मैं एक निशान लगाऊँगी। और आर्मोल का निशान जो है, मेरी 36 चेस्ट है तो उसका छठा भाग जो है 6 इंच आ रहा है। तो आर्मोल का निशान मैं जो है 6 इंच पर लगाऊँगी। तो आपका जो भी चेस्ट का मेजरमेंट हो, आपको उससे 6 से डिवाइड करना है, वही आपके आर्मोल का मेजरमेंट होगा। तो अभी देखिए, हम अपने टक्स पॉइंट का निशान 9.5 इंच पर लगाएंगे। और इसमें जो है अंडर बस्ट का एक निशान ज़रूर लगाना है, क्योंकि हमारा सब्यसाची ब्लाउज है। तो अंडर बस्ट जो है मेरा 12.5 इंच पर आ रहा है, तो मैं 13 इंच पर एक निशान लगाया है मैंने। तो अभी इन दोनों निशानों को जो है हम सीधा कर लेंगे, और आर्मोल की लाइन को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये लाइन सीधा करने के बाद अभी मेरी चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट राउंड मेरा 36 है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। और उसमें 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे लूजिंग के लिए। तो 9.5 इंच पर मैं चेस्ट राउंड का निशान लगाऊंगी, और 1.5 इंच जो है सिलाई मार्जिन उसमें एक्स्ट्रा लूँगी। तो आपका भी जो भी चेस्ट मेजरमेंट आ रहा हो, आपने उसमें 1/2 इंच की लूजिंग ज़रूर ऐड करना है। तो कमर का निशान जो है मेरा 30 इंच है, तो उसका 1/4 भाग 7.5 इंच आ रहा है। तो मैं 7.5 इंच और उसमें भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि जब हम अपना बेल्ट योक जोड़ेंगे तो 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा साइड से। तो मैं 8 इंच पर एक निशान लगाऊँगी, और इस तरीके से ऊपर की चेस्ट लाइन से जो है कमर की लाइन को मिला के 1.5 इंच नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। तो अभी आर्मोल के सेंटर से 1 इंच लेते हुए हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप भी घर बैठे आसानी से इस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सीखिएगा। तो नेक का जो है चौड़ाई में 2.5 इंच लिया है, नीचे की तरफ 3 इंच लेके, और नेक की जो है डीपनेस में 8.5 इंच लूँगी। तो ये सब्यसाची ब्लाउज में नेक जो है डीप रहता है सामने का, तो ये मैंने 8.5 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से कम भी ले सकते हैं। और इसमें जो है मैंने 5 शेप दे दिया है इस तरीके से। तो अभी जहाँ से हमने टक्स पॉइंट का लाइन बनाया है, वहाँ से हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे अपने टक्स का। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 4 इंच पर एक निशान लगाया है। और जो हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन लिए हमने, वहाँ से हमने 3 इंच पर एक निशान लगाना है, और उसके आगे हमने 2 इंच मार्जिन लेना है टक्स का। तो ये हमारा 1-1 इंच दोनों तरफ से दबाव में जाएगा, तो 2 इंच का हमारा टक्स आ जाएगा। तो अभी हम जो है टक्स की लाइन को इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 2 इंच का टक्स इसमें बन के तैयार होगा। तो अभी हम जो है चेस्ट लाइन की तरफ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। और जहाँ से हमारा अंडर बस्ट वाली लाइन है, वहाँ के ऊपर से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे अपने योक का। तो इस तरीके से योक का मैंने निशान लगाया है। अभी यहाँ से देखिए, हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे, जहाँ हमारा टक्स आ रहा है उस तरफ से हमने जो है चेस्ट की लाइन की तरफ से जो है ऐसे कर्व में राउंड शेप दे देना है।
तो ये देखिए इस तरीके से सब्यसाची ब्लाउज का हमने शेप दे देना है। तो ये हमने इस तरीके से शेप दे दिया है। तो अभी हम नीचे की तरफ से भी देखिए कमर की तरफ से 1 इंच डाउन करेंगे। तो ये मैं कमर की तरफ एक निशान लगा रही हूँ 1 इंच पर, और इस तरीके से इस निशान को जो है उस तरफ से मिला लूँगी। तो ये हमारी सब्यसाची ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। तो ये देखिए अभी हम 1/2 इंच वहाँ से जो है मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ये हमारे सिलाई में जाएगा 1/2 इंच। तो अभी हम जो अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं, तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे शोल्डर की लाइन से लेते हुए। तो ये ब्लाउज बनाना इतना आसान है, तो आपको ये वीडियो देखकर एक ही बार में आप ये ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए जो हमने टक्स का निशान लगाया है उसके बीच में से भी हम जो है मार्जिन कट कर लेंगे। और अभी इस तरीके से हमने फोल्ड करते हुए देख लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद देखिए जिधर हमने अपने कमर की साइड में जो है 1 इंच डाउन किया था वहाँ से भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और अभी हम अपने नेक को कट कर लेंगे। तो ये मैंने नेक को कट कर लिया है। अभी देखिए हम सामने में पाइपिंग लगाएंगे। तो इस फ्रंट के पार्ट को हमने 2 हिस्से कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पाइपिंग और पोटली अटैच करेंगे हम। और यहाँ से हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप दे देती हूँ, हल्का सा कॉर्नर बन रहा है। तो ये हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। ऐसे ही हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैं पेरेट ब्लाउज बना रही हूँ, तो अस्तर का मैं एक और पार्ट कट करूँगी। तो देखिए योक पट्टी आपने जो है मेन फैब्रिक में भी बंद वाली साइड से कट करना है, नहीं तो आपके सेंटर में जॉइंट आ जाएगा। आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। तो अभी देखिए एक पार्ट हम अलग रख लेते हैं अपने कप्स अटैच करेंगे तो, और इनके एक पार्ट को जो है हम अपने मेन फैब्रिक से अटैच कर लेते हैं। तो अभी मेन फैब्रिक में इस तरीके से हम पूरे में जो है कच्ची सिलाई लगा लेंगे एक पार्ट को अटैच करते हुए। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ऐसे ही सब्यसाची ब्लाउज का, तो आप सभी ने उसको बहुत पसंद किया था और आपने बहुत प्यार दिया था, इसलिए मैं ये डिटेल में वीडियो लेकर आई हूँ खास आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जितने कमेंट आप करोगे उतना ही अच्छे से मैं और सब्यसाची ब्लाउज के वीडियो लेकर आऊँगी। तो अभी देखिए हम जो है अपने टक्स लगा लेंगे इस तरीके से। अस्तर को जो है हमने मेन फैब्रिक से अटैच करके अभी हम इसमें टक्स लगा लेते हैं चारों पार्ट में। तो ये देखिए टक्स लगने के बाद हमारा पफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो अभी हमने अस्तर वाले पार्ट में भी टक्स लगा लिए हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो है पाइपिंग लगाएंगे अपने गले में। तो ये मैंने सिमर की पाइपिंग बनाया है रेडिश कलर में। तो ये हम इस तरीके से जो इसमें पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से जो है पाइपिंग को अटैच कर लेना है गले में, और जहाँ हमारी पोटली लगेंगी वहाँ तक। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो अगर आपको कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग देखना है राजा रानी कोचिंग स्टाइल में, तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी देखिए हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के फैब्रिक को उल्टा रखेंगे, और जहाँ हमने पाइपिंग की सिलाई लगाया है वहीं पर हमने इस पर सिलाई लगा के इस अस्तर को भी अटैच कर लेना है। तो अभी आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही इजी और स्टेप बाय स्टेप ये ब्लाउज बनाना बता रही हूँ। अभी हम इसमें नोचिस लगा के जो है मार्जिन अस्तर की तरफ करके एक सिलाई लगा देंगे इसमें। तो ये सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारी अंडरग्राउंड पाइपिंग जो है कितनी फिनिशिंग से लग गई है। तो अभी हम सेम जो है दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही हम अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेंगे उल्टा रखते हुए।
तो अभी हम कप्स अटैच करेंगे, तो कप्स के सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। और देखिए जहाँ पर हमने ये टक्स पॉइंट का निशान है वहाँ पर हमने कप्स को इस तरीके से रखना है, और जहाँ पर ये हमने पॉइंट बनाया है कप्स के ऊपर वो पॉइंट हमारे जो है टक्स पॉइंट के बराबर ऊपर आना चाहिए। और इस तरीके से हमने एक सीधी सिलाई लगा के कप्स अटैच कर लेना है। तो अभी जो है ऊपर के फैब्रिक को हम इस तरीके से कप्स के ऊपर कर लेंगे, और जो हमारे साइड और नीचे का साइड खुला है वहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। तो आपने भी पहले इस तरीके से अंडरग्राउंड पाइपिंग लगा लेना है, उसके बाद में आपने इसमें कप्स अटैच करने हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका भी है कप्स अटैच करने का भी और पाइपिंग लगाने का भी। तो देखिए पीछे की साइड से भी हमारा कितना फिनिशिंग से दिख रहा है। अभी सेम ऐसे ही हम दूसरे में भी कप्स अटैच कर लेते हैं। तो अगर आप इसको जो है पैडेड नहीं बनाना चाहते हो तो आप कप्स नहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने दोनों में कप्स अटैच कर लिए हैं। अभी हम यहाँ पर जो है निशान लगा लेते हैं दोनों हिस्सों में, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारी सिलाई कहाँ पर आएंगी गले तक, क्योंकि हम यहाँ पर जो पोटली लगा के इसको पैक करने वाले हैं। तो ये मैंने पोटली बनाया है सेम पाइपिंग के कलर का ही। तो हम एक पार्ट में जो इसके पोटली अटैच कर लेते हैं पहले। तो इस पोटली बटन से जो है ये हमारा ब्लाउज और भी खूबसूरत दिखेगा। तो ये पोटली लगाने के बाद अभी देखिए हम इसको कवर करेंगे। तो ये सेंटर से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो हमने एक ब्लाउज का ही फैब्रिक लिया है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके एक पट्टी बना के, और हम इसको जो है एक पार्ट को पहले इसमें अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट करके अभी जो पोटली वाला हिस्सा है उसको हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे, और वहाँ पर भी किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा फ्रंट जो ओपन था वो अभी पैक हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के ऊपर का हिस्सा तो तैयार हो गया है। अभी हम अपने योक पट्टी लेंगे जो कि हमारा बेल्ट है। पहले हम उसको जो है मेन फैब्रिक से एक अस्तर के पार्ट को अटैच करके इस पर कच्ची सिलाई लगा के हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया है। और अभी हम यहाँ पर भी जो है इसमें पाइपिंग लगाएंगे इस। तो ये हमने अपने पूरे बेल्ट के शेप में जो है पाइपिंग लगा लेना है। तो ये जो पाइपिंग का हिस्सा है हमारे कप्स वाले हिस्से के ऊपर आ जाएगा, ये बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार होगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ताकि आप ये सब्यसाची ब्लाउज जो है खुद बना सको घर बैठे आसानी से। मैं आपके लिए इजी से इजी तरीका लेकर आती हूँ, तो आप जो है घर बैठे आसानी से सीख सको सिलाई। तो अभी हमने इसमें छोटे छोटे नोचिस लगा लेने हैं, हमने दोनों तरफ में पाइपिंग लगा लिया है। तो अभी हम मार्जिन को पीछे की तरफ करते हुए इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमने टॉप सिलाई लगा लिया है। तो अभी देखिए नीचे की पाइपिंग को कवर करने के लिए हमने सेम एक बेल्ट का कपड़ा कट किया था, जैसे हमने अपने कप्स वाले कपड़े में कट किया था उसी तरीके से। और नीचे की लाइन से जो है हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो एक्स्ट्रा मार्जिन कट करने के बाद अभी जो मार्जिन है वो हम अपने अस्तर के फैब्रिक की तरफ करते हुए एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ये नीचे की तरफ की पाइपिंग भी हमारी कवर हो गई है अंडरग्राउंड। तो ये सिलाई लगाने के बाद अभी जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको भी हम इस तरीके से हाफ इंच में फोल्ड कर लेंगे। तो अभी ये स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, मैं सेम राजा रानी कोचिंग स्टाइल में भी आपको बता रही हूँ। ये सब्यसाची ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग से बनाना मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी हम इसके सेंटर में एक इस तरीके से निशान लगा लिया है, और हमने ये कप्स वाले पार्ट को उल्टा रखा है देखिए। और जो ये हमारा योक है इसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे उसके ऊपर, और एक सिलाई लगा लेंगे पहले। तो ये जो हमारा कप्स वाला पार्ट है उसको हमने हाफ इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि हमने इसमें हाफ इंच का मार्जिन रखा था एक्स्ट्रा। तो हाफ इंच हमारा योक में मार्जिन है और हाफ इंच हमारा कप्स वाले हिस्से में मार्जिन है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर भी 1 इंच का मार्जिन हमारा दबाव में चला जाएगा।
तो ये देखिए इस तरीके से हमने राउंड शेप में जो इसको अटैच कर लिया एक साइड से, ऐसे ही हमने दूसरी साइड से भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से आप ब्लाउज बनाओगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार होगा। तो ये देखिए अभी हम सामने के हिस्से का जो योक आ रहा है हमारा पाइपिंग वाला हिस्सा, उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ हम एक टॉप स्टिच लगा के अटैच कर देंगे। तो ये हमारा नीचे की साइड से भी फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा और ये हमारा ऊपर की साइड से भी योक बहुत ही फिनिशिंग से दिखेगा। तो ये देखिए एक साइड में हमने सिलाई लगा लिया है, एक्स्ट्रा हम बाद में कट कर लेंगे ये जो मार्जिन आ रहा है, ऐसे ही हमने जो है दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है और ये जो अभी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम अपनी आर्म होल की लाइन से जो है मिला लेंगे इस मार्जिन को कट करते हुए। तो ये हमारा सब्यसाची ब्लाउज बन के तैयार हो गया है और देखिए साइड का मार्जिन हमारा इस तरीके से सिलाई में जाने के बाद इसका लुक इस तरीके से आएगा। तो है ना इसको बनाना बहुत ही इजी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और रोज़ाना ईजी तरीके से सिलाई सीखने के लिए ऐसे ही मेरे चैनल के वीडियो को देखते रहिए। और देखिए बैक साइड से भी हमारा बिल्कुल ही कहीं से भी मार्जिन नहीं दिख रहा है, बहुत ही फिनिशिंग से बना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।